व्यूअर्स, आज जिस टॉपिक को आगे लेके बढ़ेंगे, जिस पे बात करनी है आपसे, वो एक ऐसा टॉपिक है जो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा बॉदर करता है. और बचपन से लेके अब तक हमने तो कहा हम बात करेंगे फैट शेमिंग की, यानी कि मोटापे पे जो मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन एक्चुअली मसला है बॉडी शेमिंग का, कि आपके जिस्म की जो भी शेप हो, किसी ना किसी ने उस पर ज़रूर कॉमेंट करना है. सवाल यह है कि क्यों, मेरी क्या शेप है, मुझे 5 पाउंड चढ़ते हैं या 5 पाउंड उतरते हैं, या 10 पाउंड या 20 पाउंड चढ़ते हैं या उतरते हैं, इससे किसी और को क्या गर्ज, मसला क्या है, हम लोगों को सुकून से क्यों नहीं जीने देते. मैंने 2 दिन पहले परसों एक पोस्ट लगाया सोशल मीडिया पे, क्योंकि मैंने अपने बेटे की पहले एक वीडियो लगाई एक्सरसाइज करते हुए, तो 2-3 लोगों ने कमेंट किया उन मेरे बेटे के वेट के ऊपर. तो मैंने उन सब कमेंट्स जो 2-3 लोगों ने कमेंट किया, मैंने नहीं, बाकी सब ने बहुत प्यारी प्यारी बातें की, मगर जिन्होंने वेट पे कमेंट किया, मैंने उनको नीचे लिखा कि प्लीज़ स्टॉप फैट शेमिंग माई चाइल्ड. अच्छा, हस्बैंड के साथ कभी तस्वीर लगाती हूँ, अब मेरे हस्बैंड जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्लिम नहीं हैं, अगर जो एक टिपिकल टर्म है हमारे यहाँ, हेल्दियर साइड पर हैं, तो उनके साथ तस्वीर लगाऊं तो लोग उनके वेट पे कमेंट करें. अच्छा, एज अ रिजल्ट मैंने बहुत कम अपनी फैमिली की पोस्ट लगानी शुरू कर दी, बिकॉज मुझे ये महसूस होता था कि एक तरफ मीडिया में स्पेशली जो आपके फैंस होते हैं वो कहते हैं लगाएं ना अपने बड़े बेटे की तस्वीर, लगाएं ना अपने छोटे बेटे की तस्वीर, लगाएं ना अपने हस्बैंड के साथ अपनी तस्वीर, लगाएं ना, ताकि आप हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन पाएं. मीडिया में जो लोग होते हैं उनसे ये डिमांड होती है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आपने मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनना है और फिर मेरी बेइज्जती ही करनी है या मेरे फैमिली को बुरा फील कराना है, अगर आप मेरे सोशल मीडिया पे कमेंट करते हैं तो क्या मेरा हस्बैंड नहीं पढ़ेगा, क्या मेरा बेटा नहीं पढ़ेगा, माशाल्लाह अब हमजा 13 साल के हो गए हैं, और अगर वो उससे कम उम्र के होते तो आगे जाके किसी वक्त तो उसने पढ़ना था ना. सो इन चीज़ों की वजह से मैं थोड़ा सा बैक ऑफ होना शुरू हो गई सोशल मीडिया से. मैंने कहा ठीक है, मैं शो की तस्वीरें लगा दूंगी और बड़ी जनरल सी, जेनेरिक सी चीज़ें जो है वो अपलोड करूंगी, मैं क्यों अपनी पर्सनल लाइफ में किसी को एंटर होने दूं. ये वही वाली बात है कि हम किसी के घर के अंदर जाके उनको बिस्त करके या बेइज्जत करके बाहर निकल आए. जब छोटी थी तो क्योंकि ज़रा पतली थी तो हर कोई कांगड़ी बुलाता था, चिपकली बुलाता था, मजाक उड़ाते थे, क्योंकि वेट बहुत कम था तो नाक चेहरे के नस्बत ज़रा बड़ा लगता था, तो ये मुंह मसूर की दाल, नासें देखी हैं अपनी, मतलब ऐसे ऐसे कमेंट्स, पकौड़ी नाक, मतलब ये सारी चीज़ें बचपन में सुनी. अच्छा, जब बड़ी हुई तो एक एवरेज सा साइज़ था, ना बहुत मोटी थी ना बहुत पतली थी. उसके बाद हमजा पैदा हुए, उस दौरान मुझे वेट चढ़ा, क्योंकि कभी डाइटिंग की नहीं थी, तो बाकायदा 6 साल लगे अपने वेट को वापस उस पर लाने के लिए जो था. लेकिन उन 6 सालों में हेल्दी, मोटी, मतलब कोई ऐसा कमेंट नहीं है जो लोगों ने पास नहीं किया. अच्छा, उसके बाद गोल गप्पे जैसा तुम्हारा मुंह है. अच्छा चलो ठीक है, सारा कुछ हो गया. फिर वक्त आगे गुजरा, वेट कम हो गया, लोगों ने कहा हाय हाय इसे क्या हो गया. मतलब मेरा एक्चुअली इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया, और दिमाग ख़राब ही हुआ था कि मैंने खाना पीना ही छोड़ दिया और सिर्फ अपनी एक्सरसाइज के ऊपर तवज्जो देनी शुरू कर दी. एज अ रिजल्ट मेरा 60 किलो से 45 किलोज पे वेट आ गया. मेरी हड्डियां नजर आती थी, मेरे गाल अंदर चले गए थे, और मैं एक्चुअली बीमार लगना शुरू हो गई थी. और किसी ने तो एक्चुअली मुझसे पूछा कि भी कि बेटा अपना चेकअप कराओ, कहीं तुम्हें टीबी तो नहीं हो गई. आई एम नॉट जोकिंग. सो पतले हो तो लोग बातें करते हैं, मोटे हो तो बातें करते हैं, बीच में हो तो आपकी किसी और चीज़ के ऊपर कमेंट करते हैं, रंग गोरा है तो उसमें प्रॉब्लम है, डार्क कलर है तो आप काले हैं. मतलब मुझे बता दें कि फिर इंसान सुकून कब ले, अगर हर वक्त इंसान ने माइक्रोस्कोप के नीचे होके अपनी इज्जत करवानी है लोगों से. सो 2 दिन पहले मैंने पोस्ट लगाया कि भाई मैं प्रेग्नेंट थी. मैंने उस वक्त नहीं शेयर किया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्योंकि मेरी पहले भी एक दफ़ा बहुत बुरी मिसकैरेज हो चुकी थी, तो मैं शेयर नहीं करना चाहती थी. खैर, वही हुआ, मेरी फिर मिसकैरेज हो गई, क्योंकि प्रेगनेंसी मेरी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी. प्रेगनेंसी के दौरान भी लोगों ने कमेंट्स पास किए, फिर मिसकैरेज के अगले दिन जब मैं काम पर आई बहुत हौसला करके, ऑब्वियसली लोगों को नहीं पता था, तो मुझे लाइव ऑडियंस में से ही किसी ने घूम के कहा कि आप तो बहुत ही एक्स्ट्रा हेल्दी लग रही हैं. पता है, कभी कभी छोटी सी एक चीज़ होती है या कोई छोटी सी बात होती है जो इंसान का दिल तोड़ देती है. वो पूरा प्रोग्राम मैंने कैसे होस्ट किया, मेरे क्या जहन में गुजरा, मैं क्या फील कर रही थी, सारा वक्त मैं अपने कपड़ों को ऐसे ऐसे कर रही थी, अपने कपड़े खींच रही थी कि किसी तरह मैं अपने मोटापे को छुपा लूँ.
अभी भी मेरे सिर्फ कोई 5 पाउंड कम हुए हैं उस वक्त से, और नॉर्मल जो मेरा वेट होता है उससे कोई 10-12 पाउंड मेरे ज़्यादा हैं। जो बंदा मोटा होता है व्यूअर्स, उसको पता है कि वो मोटा है,